हम न्यू रेसिपी बनाएंगे, स्टफ उड़द दाल उत्पम। चलिए बनाते हैं। इस कप से मैंने मेजरमेंट किया है 2 कप उड़द की दाल को 2 घंटे के लिए पानी में हम भिगो देंगे। 2 घंटे बाद इसका हम पानी निकाल लेंगे। इसमें अदरक 4 हरी मिर्च डालकर इसे हम पीस लेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें घोल पतला चाहिए, इसलिए एक बाउल में हम इसे अलग से निकालेंगे। आवश्यकता अनुसार पानी डालकर हम घोल को पतला करेंगे। पेस्ट हमारा ऐसा होना चाहिए। अब हम स्टफिंग के लिए आलू की सब्जी रेडी करेंगे। आलू को हम छील कर बीच से कट करेंगे, फिर हम वापस इसे बीच से कट करेंगे। अब हम लंबे शेप में इसे कट करेंगे और इसको घुमाकर वापस हम इसे लंबे शेप में कट करेंगे। इससे आलू का शेप छोटे चौकोर आकार में हो जाएगा। इसी तरह हम सभी आलूओं को कट कर लेंगे। अच्छे पानी से धोएंगे। हम कुकर या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कुकर को यूज़ में लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर जीरा डालेंगे और इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें आलू डालेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 3/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसमें 4 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 3/4 अमचूर पाउडर, 1/4 गरम मसाला। अब हम इसे मिलाएंगे। कुकर को हम बंद करेंगे और 1 सीटी लगाएंगे। गैस को हम बंद, 3-4 मिनट बाद हम इसकी सीटी निकालेंगे और हम देखेंगे हमारी सब्जी रेडी है। अब हम इसमें महीन कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी हमारी रेडी है, चलिए बनाते हैं। गैस को हमने ऑन किया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/4 टीस्पून राई डालेंगे। यह बहुत इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था वह पेस्ट हम इसमें 1.5 टेबलस्पून इस पे पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से फैलाएंगे। हम इसे कम ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने आलू की सब्जी यूज़ में ली है। आप स्टफिंग के लिए इसमें मिक्स वेजिटेबल की सब्जी भी यूज़ में ले सकते हैं। यदि आपको आलू की सब्जी और ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो हरी मिर्च आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब आलू की सब्जी को हम इस पर अच्छे से फैलाएंगे। आलू की सब्जी एकदम ड्राई है, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। गैस को हमने कम किया है, कम और मीडियम गैस में ही हमें इसे पकाना है। अब हम इस पे अच्छे से आलू की सब्जी के ऊपर हम इसको अच्छे से फैलाएंगे। हमें घोल को ज़्यादा इस पे यूज़ में नहीं लेना है और जब ये नीचे से सिक जाएगा तब हम इसे उलट देंगे। अब ये नीचे से अच्छे से सिक चुका है, हम इसे उलट देंगे। उलटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से हम इसे उलट सकते हैं। अब हम दूसरी साइड इसे अच्छे से सेकेंगे। दूसरी साइड अच्छे से सिकने पर हम इसे उलटेंगे। दोनों साइड अच्छे से उत्पम सिकने पर हम इसे प्लेट में निकालेंगे। जिस साइड हमने राई का
तड़का दिया था उस साइड हम इसे ऊपर रखेंगे। हम इसे कट करेंगे। हमने इसे 4 पीसेस में कट किया है। यह लुक वाइज देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। गरम गरम स्टफ उड़द दाल उत्पम रेडी है। बनाइए और मनपसंद चटनी के साथ इसका आनंद लीजिए। थैंक यू।